जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती आज फाइनली एनसीबी के ऑफिस के बाहर देखी गई थी। रिया मैम, तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं भाई, रिया एनसीबी के ऑफिस के बाहर कर क्या रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं पहले तो कि रिया एनसीबी के ऑफिस के बाहर इसलिए गई थी क्योंकि सोमवार को जो उसकी पूछताछ रहती है, जो उसको हाजिरी देनी पड़ती है, उसको बेल मिली है, राहत नहीं मिली। जिनको लगता है कि रिया चक्रवर्ती फ्री है, नहीं, अभी भी उसको एनसीबी के ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे जाके उसको हाजिरी देनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि वो भागी नहीं है, फरार नहीं हुई है, और एनसीबी के सवाल जवाब हो तो उनका उत्तर देना पड़ता है। तो शौविक और रिया को मंडे को जाके, हर महीने के मंडे को हाजिरी देनी पड़ती है। तो ये तो रिया चक्रवर्ती की दिक्कत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिया चक्रवर्ती की आज 5 अप्रैल थी, मतलब कल 5 अप्रैल थी, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर जने की निगाह 5 अप्रैल की तारीख को ही थी क्योंकि सुनवाई बैठने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी कि रिया चक्रवर्ती और एनसीबी जो गया है उसको लेके, कि उसकी जो बेल है उसको क्वैश करेगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, क्या इस पर सुनवाई होती है। बट ये होता है आज इस पर बैठती नहीं है। आपको बहुत क्लियरली बता दूं तो लोगों को ये लग रहा है आज क्या रहा पूरा रहा, तो बता दूं सुप्रीम कोर्ट बैठी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे ना बात करती है ना कुछ रहता है। ये केस की तारीख बिल्कुल आज ही की थी, 5 अप्रैल ही थी, लेकिन आज कोर्ट नहीं बैठती, आज इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई फैसला नहीं होता। अब आगे की डेट क्या है ये भी नहीं बताई गई, अभी नहीं पता है। तो जो भी भाई परेशान हो रहे थे अभी तक कि एनसीबी आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर सुनवाई क्यों नहीं है, आज क्या रिजल्ट रहा, तो रिया चक्रवर्ती की आज सुनवाई नहीं हुई। बट बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जिस तरह से अनिल देशमुख की छुट्टी हो गई, रिया चक्रवर्ती की बेल जो है वो भी रिजेक्ट होगी और बहुत जल्द वो जेल में डाली जाएगी। तो गाइस, अब हमें कुछ नहीं करना है, भरोसा रखना है भगवान पे, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ भाई, भगवान पे भरोसा रखो, जीत हमारी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दिल से दिल तक चैनल को, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जो मेरा यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जय हिंद।